हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ सिंपल सा मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। इस लुक को काफ़ी इजी तरीके से मैंने किया है और आप इस लुक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी अच्छे से आप इस लुक को कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया है रोज़ वाटर। मैंने एक बॉटल में स्प्रे वाली बॉटल में डाल लिया और अच्छे से अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैं लगा रही हूँ एनवाइवे का कंसीलर फ्लैट ब्रश की हेल्प से। इससे क्या होगा ना कि ब्लेंड भी हो जाएगा, कंसीलर अच्छे से अप्लाई भी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिया है हिमालया का बेबी पाउडर, उससे सेट कर लिया। फिर मैंने मोर्फी का पैलेट लिया, उसमें से ट्रांजिशन शेड पिक किया और हल्के हल्के से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर ले रही हूँ। और इसके बाद हम कट क्रीज बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया एनवाइवे का कंसीलर और हल्का सा कट क्रीज बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। मतलब आईलेट पे आपको अप्लाई करना है थोड़ा थोड़ा सा लेकर। और फिर हम लेंगे सेम वही हिमालया का बेबी पाउडर, उससे सेट कर लेंगे। और ये जो ये जो दो सेट थे, इनको अच्छे से मैं अपने आईलेट पर अप्लाई करूँगी। विल्टन वाइट का पैलेट था। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने येलो सेड पिक किया और हल्का सा बीच में आईलेट के बीच में अप्लाई कर रही हूँ जस्ट। काफ़ी इजी आई मेकअप है, आप देख सकते हो। काफ़ी इजी तरीके से आप कर सकते हो और काफ़ी अच्छा भी दिखता है। और इसके बाद फिर से हम पफी ब्रश लेंगे, हल्का सा ब्लेंड आउट कर लेंगे, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद हम लगा रहे हैं एनवाइवे का लाइनर। काफ़ी अच्छा लाइनर है, बजट में भी है, इसीलिए मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। क्योंकि यार, बजट की चीज़ें कौन नहीं इस्तेमाल करना चाहता। आप लोग बोलते हैं दी एक पैलेट दो पैलेट आप दिखाते हो, तो अगर मैं अलग अलग दिखाऊंगी ना तो आप लोग भी बोलोगे दी अलग अलग इतना पैलेट दिखाते हो तो हम कहाँ से लाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कम से कम प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और कम से कम चीज़ें आपको बता सकूं। इसके बाद मैंने लिया सेम लैक्मे का काजल, इसको अच्छे से हम अप्लाई करेंगे और जो मेरा फिनिश होने वाला है इसको हल्का सा ब्लेंड आउट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से। और यहाँ पे फिर से मैं सेम वही सेड लूँगी ब्राउन, और ऊपर वाला मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा सेड था। दोनों को अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेंगे जहाँ पर हमने काजल अप्लाई किया था उसके थोड़ा सा नीचे। और यहाँ पर हमने लिया है जेल लाइनर, और इसी से मैं अपनी आईब्रो को फिल करती हूँ। ये आपकी आईब्रो को अच्छे से फिल भी कर देता है और नेचुरल लुक भी देता है। और इसमें आपको दो सेड मिल जाते हैं, एक तो ब्राउन है और एक तो ब्लैक है। काफ़ी अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद हमने लिया एक ब्रो कॉम, इससे हम अपनी आईब्रो को अच्छे से सेट कर लेंगे। और फिर हम लगा रहे हैं अपना लैक्मे का मॉइस्चराइज़र, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं अधिकतर इसी को यूज़ करती हूँ घर में भी, वैसे भी मेरा फेवरेट है ये। और यहाँ पर फिर मैं लूँगी हुडा ब्यूटी का प्राइमर, ये भी बजट में है, अच्छा है, तो आप इसे सजेस्ट कर सकते हो। इसको लगाने के बाद एक ठंडक फील होती है, बट थोड़ा सा चिपचिपापन देता है। लेकिन जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो ये थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, लेकिन चिपचिपी चीज़ मुझे थोड़ी सी कम पसंद आती है। और इसके बाद हम लगा रहे हैं लैक्मे का फाउंडेशन, मेरा शेड है 8 SPF 8 ऐसे कुछ है, मुझे ध्यान नहीं है। और इसको अच्छे से हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे हल्के हल्के से। थोड़ा सा ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम करता है, जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, बट आप पफी ब्रश से ब्लेंड करोगे तो ये इजीली ब्लेंड हो जाता है, और फ्लैट ब्रश से, बट ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, लेकिन अच्छे से सेट हो जाता है और ऑक्सीडाइज भी हो जाता है जल्दी। लेकिन आप अपने शेड से एक टोन लाइट लोगे ना तब ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वरना फिर जल्दी हो जाता है। तो आप अपने फेस के हिसाब से मैचिंग का ही लीजिएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब आप मेकअप करते हैं ना तो आपका फेस काफ़ी ज़्यादा भरा दिखता है और जो फेस का सेप ओरिजिनल होता है वो नहीं दिख पाता है। तो इसलिए जब भी आप कॉन्टोर कर लोगे ना तो आपका फेस का सेप भी अच्छा दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। और इसके बाद थोड़ा सा हाईलाइट करना, अगर आप कॉन्टोर कर रहे हो तो हाईलाइट करना ना भूलिएगा। तो ये दो स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा जब भी आप मेकअप करो, हल्का भी मेकअप करो ना तो ये स्टेप फॉलो करोगे ना तो आपका जो मेकअप है ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का दिखेगा, गजब का जिसको बोलते हैं। तो ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से हम ब्लेंड आउट कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। और इसके बाद हम लेंगे हिमालया का बेबी पाउडर, इसको अच्छे से अपने पूरे फाउंडेशन को सेट कर लेंगे ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना बने और हमारा जो बेस है काफ़ी अच्छा दिखे। इसके बाद हम लगा रहे हैं ब्लशर। ब्लशर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर मैंने येलो और पिंक शेड को मिक्स करके लगाया है थोड़ा सा डिफरेंट दिखने के लिए, क्योंकि जो मेरा ड्रेस है वो पिंक और येलो में है। तो आप देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, और हल्का सा जो येलो वाला टोन था ना उसमें ग्लो भी था, इस वजह से अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैंने लिया हाइलाइटर और अपने पूरे फेस पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। अगर अभी तक आप हाइलाइटर नहीं अप्लाई करते तो स्टार्ट कर दो, इससे आपका फेस ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, ग्लो ग्लो आ ही जाता है आपके फेस पे। तो हाइलाइटर से सच बता रही हूँ, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा हाईलाइटर, ठीक है। इसके बाद मैंने लिया है एडीएस का लिप लाइनर, उससे मैंने अच्छे से लिप लाइनर लगा लिया। और इसके बाद मैंने एनवाईवी की लिपस्टिक लगाई है, जो मेरी क्लिप खो गई तो उसके लिए सॉरी,
तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। सिंपल सा मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है, हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कोई भी आप लोगों को कमी लगी है ना तो कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा। तो मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।